इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। वंदे मातरम, आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। हम सब जानते हैं कि समाज की वास्तविक वास्तुकार नारी है। जी हाँ, नारी जो कि शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है, हर काम में हर क्षेत्र में उन्नत है, लगातार आगे बढ़ रही है। आज चर्चाएं खास में मुद्दा नारी और उत्तराखंड की नारी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कहाँ तक पहुँची है उत्तराखंड की नारी, किन क्षेत्रों में आगे है, क्या सोचती है, किस पर मंथन करती है और कहाँ तक पहुँचना चाहती है। उत्तराखंड में नारी शक्ति पर चर्चा, चर्चाएं खास में। अपने अधिकारों को जानती है, समझती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और पूरे समाज को आगे लेकर चलती है, आगे बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। यानी महिला की शिक्षा से समाज पर प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश को अगर समझना है, उसकी शक्ति को जानना है, तो ये जानिए कि उस देश की महिलाएं कितनी संपन्न हैं, कितनी समृद्ध हैं, कितनी शिक्षित हैं। लेकिन फिर भी बेशक 21वीं सदी नारी की सदी है, लेकिन आज भी यकीनन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं जब कई घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं। एक और हम तस्वीर देखते हैं, महिलाएं उन्नत हैं, सशक्त हैं, मजबूत हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, कई क्षेत्रों में उनसे भी आगे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर हम ये भी देखते हैं कि आज भी 21वीं सदी में महिला डरी हुई है, सहमी हुई है, कई मामलों को लगातार झेलते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए दबने के लिए मजबूर है। इसके पीछे वजह क्या है, ये भी समझने की आज कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चाएं खास में, सुलोचना पयाल जी वरिष्ठ पत्रकार, सुनीता विद्यार्थी जी प्रवक्ता बीजेपी और भावना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ चर्चाएं खास में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास दिन है क्योंकि चर्चाएं खास में आज हम जिक्र नारियों का कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। और भावना शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करते हुए, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कार्यक्रम की शुरुआत मैंने कोट के साथ की कि समाज की वास्तविक वास्तुकार है महिला। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में चूंकि आप उस समाज को समझती हैं, वहां पर रची बसी हैं, उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में नारी शक्ति का आज हम जिक्र कर रहे हैं, नारी पर मंथन। पहले तो हम समझना चाहेंगे भावना शर्मा जी आपके माध्यम से, नेटवर्क 10 के तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के समाज में नारियों की स्थिति। हेलो भावना जी, आप मेरी आवाज सुन पाई इससे पहले? हाँ जी मैम, सुन रही हूँ आपकी आवाज। भावना शर्मा जी, मैंने आपसे पूछा कि मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में रहती हैं, और चूंकि हम जिक्र उत्तराखंड में नारियों का कर रहे हैं, नारी कहाँ पहुंची है, कहाँ से चली थी, कहाँ पहुंची है और कितना आगे अभी जाना है उत्तराखंड की नारी को, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में पहुंचती हैं, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में पहुंचती हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे मनोवृत्ति नारी की उत्तराखंड में। धन्यवाद मैम। पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं भावना शर्मा अल्मोड़ा से हूँ और सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लगातार महिला कितनी सशक्त है, इन महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बात हम करते हैं उत्तराखंड की नारी की, तो आज ग्रामीण परिवेश की नारियाँ वो पहले वाली महिलाएँ नहीं रही हैं। आज महिलाएँ हमारे उत्तराखंड की ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ भी काफ़ी सशक्त हो चुकी है, महिलाएँ अपने अधिकारों को जानती हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और हमारी जितनी भी पुलिस है, उसके अलावा जितने भी हमारे सामाजिक, हम कह सकते हैं कार्यकर्ता भी हैं और सभी जितने भी मंच हैं, उनके माध्यम से आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, अपने अधिकारों को भी जान रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी महिलाएँ चल रही हैं। और बात करें, अगर हम आज की महिलाओं की बात करें, तो ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ भी रोजगार भी कर रही हैं, स्वरोजगार भी कर रही हैं, और जो हमारी सरकार है लगातार महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है, हमारी धामी सरकार। और हमारे साथ में बहुत सी महिलाएं, अभी मेरे साथ में 135 समूह की महिलाएं जुड़ी हैं और वो सभी महिलाएं अभी
कुछ न कुछ रोजगार भी कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही हैं, और हम लोग भी सरकार भी उनके साथ लगातार कर रही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक फिर भी है अभी, और हम सबको मिलकर महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, ताकि जब महिलाएं सशक्त होंगी, कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं का विकास होगा, जैसे कि आपने भी कहा कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि ने भी कहा है कि अगर महिला सशक्त होंगी तो पूरा देश सशक्त होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी भी महिलाओं को मुझे लगता है कि हमें और उनको सशक्त करने की जरूरत है। हमारे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं अभी भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित है, एक तरफ तो हमारी महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ चुकी हैं, और कुछ ग्रामीण परिवेश में कुछ ऐसे इंटीरियर प्लेसेस भी हैं जहां तक, क्योंकि बहुत से, जैसे हमारे हम बात करें अगर राजस्व पुलिस की, तो अभी बहुत से ग्रामीण परिवेश में, बहुत से छोटे स्मॉल टाउन में जो है राजस्व पुलिस है, उनके पास बहुत संसाधनों का अभाव भी है, और वो डोर टू डोर महिलाओं तक भी नहीं पहुंच सकते कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको सजग कर सकें, तो कहीं थोड़ा सा हमको और प्रयास करने की जरूरत है। सरकार का जो प्रयास है अभी तक वो काफ़ी सराहनीय है, उसकी हम सभी महिलाएं सराहना करती हैं कि सरकार ने महिला, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के हितों की बात करें, महिलाओं के रोजगार की बात करें, सरकार हमेशा प्रयासरत है, बहुत सराहनीय कार्य है मोदी जी का और आदरणीय धामी जी का। और थोड़ा सा मैं हम सभी को, आप लोग तो मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मीडिया ही इस देश का जो है वो एक आधार है, और इसी के माध्यम से ज्यादा महिलाएं सुनती हैं, सब लोग सुनते हैं, और यही वजह है कि हम गाहे बगाहे चर्चाएं खास में, तो हम सबको थोड़ा सा मुद्दा उठाते हैं, हमें मुद्दा उठाते रहते हैं और आगे अग्रसर। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपकी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है और हम उम्मीद ये करते हैं कि मुस्कुराहट कायम कामयाब रहे, और जैसा कि आपके काम पर मोहर भी लग गई है तो मुस्कुराहट तो बनती है। बिल्कुल, देखिए शुक्ला जी, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक आप लेकर आए हैं, इसके लिए साधुवाद। और जिस प्रकार से देखिए उत्तराखंड की मातृशक्ति का मैं यहाँ पे मैं नमन करती हूँ, उस मातृशक्ति को जिनकी वजह से आज हम उत्तराखंड राज्य में हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी धन्यवादी हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत आज हम राज्य में सत्ता में है, और हमारे राज्य को जो 27वां राज्य उत्तराखंड बना था ये उन्हीं की देन है। और जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और उत्तराखंड राज्य में खासकर नारियों की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम रही है। यहाँ पे मेरी बहन भावना शर्मा जी ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने कथनों को रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, बहुत पहले से हमारी माताएं जो है, हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति जो है, चाहे वो चिपको आंदोलन की हम बात करें, गौरा देवी की बात करें, राज्य आंदोलन की बात करते हैं तो धने जी आती हैं, तमाम हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने हिम्मत के क्षेत्र में, आप कहीं पे भी देखिए कि हिम्मत की बात हो, आर्थिकी की बात हो, हर जगह स्वावलंबन में आगे रही है, और प्रत्येक घर परिवार को, समाज को जोड़ने में एक अलग ही, मैं कहूंगी कि पहाड़ की रीढ़ है मातृशक्ति, और पहाड़ की अर्थतंत्र की रीढ़ होते हुए जिस प्रकार से समाज में अपना योगदान दे रही है, तमाम क्षेत्रों में आज महिलाओं ने जो है अपनी प्रतिभा को लेकर डंका बजाया हुआ है, और बहुत ही सराहनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की मातृशक्ति को बार बार नमन करते हैं। लेकिन सुनीता जी, क्या आप में मानती हैं, जैसा कि भावना जी कह रही थी, कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत चुनौतियां हैं महिलाओं के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहाड़, पीड़ा और मातृशक्ति के आगे जो चुनौतियां हैं, मैं वहीं पे अभी आना चाहती हूँ, क्योंकि ये तमाम चीजें होने के बावजूद हम लोग आज भी सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम लोग जितनी योजनाएं, हम चाहे नंदा गौरा देवी की योजना की बात करते हैं, या हमारी तमाम नारी सशक्तिकरण योजनाएं बनाई हुई है, स्वरोजगार के माध्यम से हम लोग जो योजनाएं दे रहे हैं प्रत्येक जगह पे, चाहे कौशल विकास योजना है, गृह प्रधानमंत्री गृह विकास योजना है, वी चंद्र गढ़वाली जो हमारी प्रथम योजना थी उसमें भी हम होम स्टे के माध्यम से, पर्यटन के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में आज महिलाएं जो है कृषि में, बागवानी में, छोटे छोटे उद्यमों से जो कमा रही हैं, अपने परिवार को संबल बना रही हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लोन का बहुत ज्यादा एक बड़ा मैटर उनके सामने आता था, सेकेंड जो महिलाओं को मार्केटिंग की, मैं यहाँ पे पूजा जी बात करना चाहूंगी कि बहने कुछ ना कुछ करके अपना
अपना रोजगार बना सुनीता जी विस्तार में बात करेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट सबसे ले लूं। सुलोचना पयाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, उनसे भी जरा समझ लें। सुलोचना जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पत्रकार हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि समाज की व्यथा, उसकी पीड़ा वो लोगों तक लाती है। तो हम जरा पहाड़, पीड़ा और मातृशक्ति और नारी शक्ति को समझना चाहेंगे आपकी नज़र से। देखिए, ये जो टॉपिक आज आपने लिया है बहुत अच्छा टॉपिक है कि नारी शक्ति क्या है। देखिए, नारी तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और जहाँ तक हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड को दिलाने में नारियों का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर नारियाँ आगे ना आती तो शायद आज ये राज्य ना होता। तो जहाँ तक नारियों की हम बात करें तो इतनी बड़ी ताकत जब आगे हो जाती है तो किसी भी क्षेत्र में समाज पीछे नहीं रहता। लेकिन जो है कहीं ना कहीं हम जो है नारियों को लेकर हमेशा विषय को चुनते हैं, लेकिन नारियां फिर भी समाज में अपने आप को अबला ही साबित करती हैं। कारण है कि कहीं ना कहीं समाज में नारियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको भी बदलना होगा। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से नारियों के प्रति जो खबरें हैं वो आती रहती हैं, अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, वो चरितार्थ तभी होगा जब नारियों के प्रति सबका एक दृष्टिकोण होगा और समानता का अधिकार नारियों को होगा। तो ये हमारी दृष्टि से आज नारी ग्रामीण क्षेत्र में भी सशक्त हैं और शहरी क्षेत्र में तो सशक्त हैं ही। समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अछूता हो कि नारियों ने अपनी भूमिका ना निभाई हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये शक्ति है इसको समेटने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। हम और ताकतवर हो सकते हैं। नारी शक्ति हर क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ नारी पीछे है? जहाज उड़ाने से ले, फाइटर उड़ाने से लेकर, गाड़ी चलाने से लेकर, हर क्षेत्र में, कोई भी मैदान ऐसा, खेल के क्षेत्र में देख लीजिए, सबसे ज्यादा मेडल हमारी महिलाएं लेके आती है, हमारी बच्चियां लेकर आती हैं। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है, चाहे आप जो है समाज का हर वर्ग और हर क्षेत्र को देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो है नारियां अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन समाज का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए नारी के प्रति, ये बहुत जरूरी है कि अपने अपनी जिम्मेदारियों को सभी समझे, तभी हम जो है एक सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना शर्मा जो है, बिल्कुल भावना शर्मा, समाज को समझने की जरूरत है। जब हम खेलों का जिक्र करते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन, खासतौर पर हम देखते हैं हरियाणा उत्तराखंड ऐसे राज्यों से, ग्रामीण परिवेशों से, संघर्ष से तपती हुई नारी होती है, महिला होती है, वो बहुत कुछ हासिल कर लेती है। उत्तराखंड भी कई ऐसी देवियों को, देवियां यहाँ पर जन्म ले चुकी हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में नाम कमाया है। ऐसे में समझना ये होगा कि क्या हम में आत्मबल की कमी है कि हम समाज के आगे झुक जाते हैं, दब जाते हैं, या समाज हमें दबाता चला जाता है। बेशक 21वीं सदी है लेकिन आज भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो दिल दहला जाती हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कारण सबसे पहले तो महिलाओं का आत्मविश्वास है। अगर कोई भी महिला होगी, अगर उसमें आत्मविश्वास ज्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस महिला में है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो महिला को पीछे छोड़ सके या जो महिला को दबा सके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी आत्मबल में लेकिन ये तो फर्क परिवार में ही शुरू हो जाता है। भावना शर्मा, परिवार बेटे को पढ़ाता है, बेटे को बाहर भेजता है, बेटी को नहीं पढ़ाता, बेटी को बाहर नहीं भेजता, फर्क तो घर से ही शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं कि इसमें दोनों का ही रोल है। सबसे पहले तो इंसान का जो व्यक्तित्व का विकास जब हमारा शुरू होता है वो हमारे परिवार से ही होता है। अगर हमारे परिवार से ही हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को, बेटियों को अगर पढ़ाया जाएगा, बेटों के बराबर ही उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके साथ सेम वही व्यवहार किया जाएगा जो बेटों के साथ किया जाता है। अच्छा, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी भावना शर्मा, क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, हर स्तर पर उनकी मदद भी करती हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था है उत्तराखंड में? लड़कियां क्या शिक्षा के लिए भेजी जाती हैं, क्या पढ़ाई की जाती है? परिवार का मंथन क्या रहता है शिक्षा के प्रति बच्चों की, बच्चियों की? मैम पहले की स्थितियाँ अलग थी। पहले बेटों और बेटियों में काफी फर्क किया जाता था। आज मैं जितने भी गाँव में
जाती हूँ। आज मैं अल्मोड़ा है, चाहे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, इनके इंटीरियर प्लेसेस में भी जाकर हम लोग काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती है, या कोई भी ऐसा परिवार आज नहीं है कि जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते। वो सभी आज महिलाओं की, आज परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी सोच में आज काफी बदलाव आ चुका है। सारे लोग ये कहते हैं कि हमको अपनी बच्चियों को सबसे पहले सशक्त करना है। जैसे पहले पुराने परिवेश में, ग्रामीण में लोग ये सोचते थे कि बच्चों को पढ़ा न पढ़ाकर उस पैसे को बच्चों के कोई जेवर बना दो या लड़की के शादी के लिए संभाल के रख दो। पर आज सारे परिवार, सारी महिलाएं, सारे माँ बाप उनके ये कहते हैं कि हम वो सारा पैसा अपनी बच्चियों पर लगा देंगे, हम अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएंगे। और आज अगर हम अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएंगे तो उनको दहेज जैसी कोई चीज देने की जरूरत ही नहीं। सुनीता जी, सोच बदली है, परिवार चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, जैसा कि भावना शर्मा जो कि जाती हैं लोगों के बीच में मिलती हैं, वो उनकी सोच बता रही हैं। लेकिन क्या हो कि आपके गांव में स्कूल ना हो, स्कूल हो तो अध्यापक ना हो, तो इस पे आपको कितना काम करना है, ये आपको तय करना है। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, शिक्षा व्यवस्था की जिस प्रकार से बात है, उत्तराखंड में बहुत दुरुस्त की जा रही है और बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट्स भी है। जहाँ पे हम लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो वर्चुअल लैब के माध्यम से, हम टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे प्राथमिक लेवल से ही शुरू कर देते हैं और तमाम चीजों में वो स्किल्ड हो रहे हैं। साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए जो स्वरोजगार योजनाएं पूरे प्रदेश में दी हैं, उनके माध्यम से हम बहनों को जो है स्वरोजगार करने के लिए सब्सिडी देते हैं। बिना ब्याज के हम 5-5 लाख का ऋण उनको प्रोवाइड कराते हैं सहकारिता बैंक से और अन्य बैंकों से, जहां भी उनको सुटेबल लगता है। और बहुत उनको हर जगह पे जो है मदद सरकार की तरफ से की जा रही है। साथ में यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अभी देखिए दीदी लखपति योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और इस लॉन्चिंग में जो है स्वयं सहायता समूहों की बहनों को 1,25,000 प्रति वर्ष जो है हम लोग लखपति बनाने का, या 1 लाख पार उसका पर वर्ष जो है उसकी आर्थिकी हो, इस तरीके के उसमें प्रावधान है। लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और यहाँ पे जैसे पयाल दीदी ने कहा कि एक दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड राज्य का ऐसा राज्य है भारत का, जहाँ पे आज से नहीं, मेरी मैं मतलब दादी तक की भी बात करूं तो वो भी उस जमाने की लाहौर से पढ़ी हुई बीए थी, और तमाम ऐसी हमारी बुजुर्ग हैं जो बहुत पढ़ी लिखी थी। और उत्तराखंड में बहुत, चाहे आप टिहरी गढ़वाल लीजिए, पौड़ी गढ़वाल लीजिए, कुमाऊं में लीजिए, बहुत हद तक जो महिलाएं थी वो साक्षर थी पहले से ही। और आज तो बढ़ोतरी हुई है। आज पेरेंट्स जो है, मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहती हूँ और सभी लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि अब दान दहेज की जो चीजें थी वो खत्म हो गई है। पेरेंट्स जो पैसा है वो बच्चियों की एमबीबीएस की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए, उनको उनके करियर ओरिएंटेड पेरेंट्स हो गए हैं, उसके लिए पैसा जोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण बदला है। और लड़कियां इतनी स्वावलंबी हुई हैं, आज आप बताइए कि उत्तराखंड की बेटियां इंटरनेशनल गेम्स में सेलेक्ट हो रही है। आप देखिए कि तारिणी तक में महिलाएं जो है नेवी अफसर हो, आर्मी ऑफिसर हो, तमाम जगहों पर महिलाओं ने उत्तराखंड की बहुत जगह बनाई है। और मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ यहाँ की मातृशक्ति को, जो जो जिंदा दिली यहाँ पे मातृशक्ति में है, ऐसी मातृशक्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है। और इतना महिलाओं को सशक्त करने में माँ का जो रोल रहता है, मैं कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नंबर वन पे उत्तराखंड है। महिलाओं को, जो बहनें हैं हमारी, अपनी बच्चियों को नंबर वन पे रखती हैं परिवार में भी, और नंबर टू पे इवन मैं कहूंगी कि बेटों की बारी आजकल आती है। आप तमाम घरों के उदाहरण लीजिए, बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आज बेटियां आईएएस ऑफिसर बन रही हैं। बिल्कुल, तो ये सब चीजें जो है मातृशक्ति की ही एक जो प्रेरणा हम लोगों को मिलती है वो प्रेरणा स्रोत है। और मातृशक्ति तो मैं कहती हूं उत्तराखंड की जितनी तारीफ करें उतनी कम। सुलोचना पयाल जी, क्योंकि पहाड़ का जीवन आसान नहीं होता, बहुत कठिन जीवन होता है। जो हम तस्वीरें हम देखते हैं, कई तस्वीरें ऐसे हम देखते हैं कि महिलाएं किस तरह से पहाड़ों पर चढ़कर, चाहे लकड़ी काटना हो, जंगल में जाना हो, कोई काम हो, बढ़ चढ़कर काम करती हैं। जीवटता और ताकत से भरपूर है उत्तराखंड की नारी। हाँ बिल्कुल, देखिए पहाड़ों की जो स्थिति है, आज भी वही पुराना ढर्रा, वही सर पर लकड़ियां बोझा ढोना, लकड़ियां लाना, घास लाना, और अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, घर भी देखना, बच्चों को स्कूल भी भेजना। तो कितनी बड़ी ताकत जो है उस महिला के अंदर है कि वो
देखिए पहाड़ के जो रास्ते हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से वो चढ़ाई में चढ़ के और दूर से पानी भी लाना पड़ता है और कई बार क्या होता है कि पानी के स्रोत तक जाना पड़ता है क्योंकि पानी नहीं मिलता है प्रॉपरली, पहाड़ों में दिक्कत हो जाती है। और साथ ही साथ जो है चक्की से आटा लेके आना है तो सर पे ही लेके आना है, सौदा पत्ता लाना है सर पे लाना है। मैंने महिलाओं को देखा है कि वो सिलेंडर तक अपने सर पे रख के लाती हैं और तब जाके अपना चूल्हा जो है घर में घर परिवार के लिए जलाती हैं। तो बहुत बड़ी जो संघर्ष उनका पहाड़ों पर है, ये संघर्ष जो है बड़ा उनका ताकतवर संघर्ष लगता है। लेकिन इस संघर्ष को कम करने के लिए जो है सरकार की तरफ से इस तरह से कुछ करना चाहिए कि महिलाएं जो है सरलता का जीवन जी सकें। और यही कारण है कि शायद पहाड़ों में जो दिक्कतें हैं उनको देखते हुए जो है पहाड़ के जो लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों में जो है पलायन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी पीड़ा है पहाड़ की कि ये जो कठिन जीवन जो पहाड़ का है उसको वो गुजारने में अब जो है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो जो है माइग्रेट हो रहे हैं धीरे धीरे शहरों की तरफ। और यही पीड़ा आज बनकर रह गई है कि पहाड़ों से पलायन, कई हजारों गांव जो है यहाँ खाली हो चुके हैं। कारण है कि उनका जो कठोर जीवन यापन करने का जो ढर्रा है वहां पर, उससे जो है वो महिलाएं जो है छुटकारा लेना चाहती हैं। हालांकि वो अपने आप में ताकतवर हैं और बड़ा प्रॉपरली जो है अपने खेत खलिहान बच्चे और साथ ही साथ जो है अपने जो उनके जानवर हैं घर में बंधे हुए पशु हैं उनकी देखभाल, साथ ही साथ जो है सामाजिक दायरे को भी वो निभाती हैं। तो अपने आप पे ताकतवर तो महिला है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा उनके अंदर है कि हम भी जो है सुलभता का जीवन जी सकें, हम भी आरामदायक जीवन जी सकें। तो इन सब के लिए जो है सरकार की कई योजनाएं भी हैं और जो पहाड़ों के लिए लागू की गई है। लेकिन दूरी जो आना जाना जो जो पहाड़ी रास्ते हैं और प्रॉपरली जो है यातायात की सुविधा न होना, ये सारी चीजें हैं जो उनको वहां पे जो है उन सुविधाओं को लेने के लिए जो है वो बाध्य नहीं हो पाती हैं। इसलिए जो है वो वहां से उनके दिमाग में रहता है कि हम पहाड़ छोड़ दें। अगर हम पहाड़ के जीवन को लेकर और उनकी सुख सुविधाओं का जो आंकलन है उसको करके ही उन्हीं के अनुरूप वहां पर सुविधाएं जुटा दें, बिल्कुल सरकार इस तरह से कुछ करे। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत जिम्मेदारी आपके आपके ऊपर है। नवोदित राज्य उत्तराखंड में बहुत कुछ किया आपने, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो नारी जो कि आपके राज्य को बना सकती है, वो नारी जो कि जीवटता में मिसाल है, वो अगर पलायन करने को मजबूर। सुलोचना जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। सुनीता जी आपसे सवाल ये, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो नारी आपके आपके उत्तराखंड की नारियां जो कि उत्तराखंड को बना सकती हैं, सशक्त कर सकती हैं, जो जीवटता से भरपूर हैं, लेकिन रोजगार और थोड़ा सुविधाजनक अगर उनको जीवन मिल जाए तो बेहतर होगा, वो पलायन करने को मजबूर नहीं होंगे। आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से राज्य सरकार अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल तक पहुंचा रही है, उसमें महिला को जो है महिला वर्ग पे बहुत ज्यादा फोकस सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और उसमें तमाम योजनाएं, जैसे कि हम अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, उसमें तमाम सुविधाएं महिलाओं को मिलती है। बिना सुरक्षा के ये सुविधाएं किस काम की, क्योंकि बहुत सारे मामले, अंकिता भंडारी अभी मामला सामने आया है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार को लेकर। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है, अंकिता भंडारी के केस के बाद और ज्यादा जो है सरकार संवेदनशील तो पहले से ही थी, लेकिन और ज्यादा सजग हुई है, क्योंकि इस तरीके के जो मामले हैं देवभूमि में कभी नहीं हुए। और बड़ा दुखदाई वो इतना बड़ा जो जघन्य अपराध देवभूमि में हुआ है, और मैं तो कहती हूँ कि पीड़िता परिवार को जल्दी न्याय मिले, और हमारी पूरी कोशिश है, हम उनको न्याय दिलाने में अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो हमारी पीढ़ी में, यहाँ पे आपसे छोटी सी बात कहूंगी, बहुत कम समय, संक्षेप में सुनीता जी, बहुत कम समय। हाँ जी, देखिए मैं यहाँ पे फिर मुद्दे पे आती हूँ कि तमाम योजनाएं जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, स्वावलंबी बनाती हैं, और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम महिलाओं के पास आता है कि वो उत्पाद बना लेती हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता है। तो मार्केटिंग के लिए हमने देखिए सभी ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं को जेम पोर्टल है, जहाँ पे नेशनल पोर्टल में हम सभी को रजिस्टर करते हैं ताकि वो अपने उत्पादों को बेच सके। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप काम करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं ताकि उत्तराखंड की नारी और सशक्त हो और संकल्पित हो। बहुत बहुत शुक्रिया
तीनों का जुड़ने के लिए, सुलोचना पयाल जी, सुनीता विद्यार्थी जी, भावना शर्मा जी। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हम खुद अपनी नायिका हैं, ये हमको सोच अपने में रखनी है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तमाम महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, जग यूं ही आप जीतती रहें। फिलहाल इस विषय को विराम देते हुए इस खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।